उत्तराखंड में आज भी करीब 590 शातिर अपराधी हैं जो पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं, जिनको सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश में लगी है। अब एक बार फिर पुलिस का बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। पुलिस का लॉकडाउन के दौरान अभियान बंद सा हो गया था, लेकिन अब अभियान एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड में 45 गैंग थे जो समाप्त हो चुके हैं, वहीं आज भी राज्य में करीब 495 वॉन्टेड अपराधी और करीब 95 इनामी अपराधी हैं जो आज भी फरार चल रहे हैं, जिनके ऊपर 10,000 से 20,000 रुपए तक का इनाम भी है। पुलिस के लिए ये अपराधी आज भी चुनौती बने हुए हैं। कानपुर में हुई घटना के बाद अब अनलॉक में एक बार फिर से अभियान शुरू होने जा रहा है और पुलिस इन फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए एसओजी के साथ मिलकर टीम तैयार कर रही है। ये तो उस जनपद का जो एसएसपी है उस पर डिपेंड करेगा। मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल्स के लिए कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है, कम से कम उत्तराखंड में। यहाँ पर अगर थोड़ा सा गंभीर प्रयास किए जाते हैं तो पकड़े जाते हैं। मैं आपको बताऊँ कि हम लोग जब पौड़ी में थे तो एक मुख्यालय से एक ड्राइव चला था इस तरह के अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो जो 25-25-30-30 साल से फरार अपराधी थे, हमने पूरे हिंदुस्तान से उनको खोज करके निकाला और 17 लोगों को हमने जो है जो ड्राइव का पीरियड था उसको अरेस्ट किया। ऐसा नहीं है किसी भी, अगर कोई हार्डेड क्रिमिनल है कोई, उसके लिए पॉलिटिकल कहीं कोई प्रेशर नहीं रहता। पुलिस हमेशा से प्रोएक्टिव रही है, हमने बदमाशों को कभी यहाँ पे टिकने नहीं दिया है। अगर आप 2000 से डाटा उठा कर देखें तो बहुत बड़े बड़े बदमाश यहाँ से, उनका खात्मा हो चुका है या वो जेलों में हैं बड़े बड़े बदमाश। कुल मिलाकर के हमारा जो सफलता का लेवल है उनके अगेंस्ट बहुत हाई है। अच्छा सर, कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं कि दूर अलग इलाकों से आकर उत्तराखंड में रहते हैं, तो क्या ऐसे में चिल्ले तो ऐसे स्टेट जो है मूवमेंट कोई इंडिया में बैंड नहीं है, तो बाहर के लोग भी यहाँ रह सकते हैं, यहाँ के लोग भी बाहर रह सकते हैं। कुछ अभियान चलाएंगे सर? नहीं, अभियान हम लोग शुरू से अलर्ट हैं, शुरू से प्रोएक्टिव हैं। हम लिस्टें बना करके अपराधियों का पीछा करते हैं, कोई अपराधी कोशिश करता हमारे यहाँ घुसने की तो उससे कार्रवाई भी तगड़ी करते हैं।